is Anya Fez, daughter of Mr. Mohammed Fez. Thank you.
और चारों हाउसेज में हम एट कैप्टन्स को सिलेक्ट करते हैं, फोर गर्ल्स साइड और फोर बॉयज साइड में. सो कौन सी साइड से स्टार्ट करें, बॉयज और गर्ल्स? बॉयज और गर्ल्स? गर्ल्स की ज्यादा आवाज आ रही है ना. बॉयज और गर्ल्स? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉयज साइड. ओके, द कैप्टन फ्रॉम नेक्स्ट हाउस इज अनस हसन. Amreen, doctor of the
honorable assistant, please come forward and start your vote. Thank you. Very, very good morning to all of you. Good morning, sir. देखिए वक्त की नजाकत को समझते हुए और ये देखते हुए कि काफी वक्त हो गया है, जैसे कि हर साल आपको पता है ये मॉनिटर्स हेड गर्ल हेड बॉय कैप्टन सभी जिसको जो पोस्ट मिली है उसको पूरी तरह से फॉलो करने से पहले एक शपथ देते हैं, प्लेज लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको पूरे साल अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। तो मैं इनसे फिर से एक बार यही कहूँगा कि जिस जिसको भी चुना गया है, जिस उम्मीद के साथ में, जिस भरोसे के साथ चुना गया है, उस सिलेक्शन को खराब मत होने देना, उस उम्मीद को पूरा बरकरार बना कर रखना, क्योंकि पोस्ट मिलना शायद बड़ी बात नहीं है लेकिन पूरी इज्जत के साथ में उस पोस्ट को बनाए रखना, उसको मेंटेन किए रखना वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मॉनिटर से, हेड गर्ल हेड बॉय कैप्टन से और स्टोर कैप्टन से भी कि वो सभी शपथ मेरे साथ साथ देंगे। उसके लिए सबसे पहले राइट हैंड इन फ्रंट एंड आई रिपीट आफ्टर मी, बिफोर एक्सेप्टिंग द पोस्ट ऑफ मॉनिटर्स and captain in the existence of honorable principal, teachers and all my colleagues, we pledge that we will perform all our expected duties with honesty and sincerity. We will try our level best to maintain discipline during the absence of our teachers. We will keep the reputation of this post and will never misuse our rights. We will perform our duties with sincerity in the favor of just and truth only. We will never support the distinction of partiality. May God help us and provide us the strength to maintain आपकी क्लास में अच्छा डिसिप्लिन हो और साथ ही साथ आप ही की क्लास से कोई ना कोई ग्रुप टॉपर हो या वो टॉपर जो कि अदर सेक्शंस में ना हो, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग अपने मन में कहीं ना कहीं अपनी ये डिजायर रखते हैं। सो आप लोगों को मालूम भी है कि ये सारी चीजें तब तक नहीं हो सकती कि जब तक आप लोग पूरी तरह फोकस ना करें। अभी सामने आप लोगों के मॉनिटर्स आपकी क्लास आपके सेक्शंस के हैं, आप लोगों ने सिलेक्ट कराया, आपके टीचर्स ने जिस तरह भी इनको नॉमिनेट किया, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी पे हो या बहुत ज्यादा टैलेंट पे हो, आई होप कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मॉनिटर्स बनना चाहते हैं बट कंडीशंस के
कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, कहीं अपनी स्टडी की वजह से, कहीं अपनी वीकनेस की वजह से वो लोग नहीं वहां तक पहुंच पाते, गेन नहीं कर पाते। सो आने वाले टाइम में, अगले सेशन में, अगली क्लास में आप अपने आप को उस लेवल तक ला सकते हैं, अपने आप को चमका सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, ज्यादातर चेहरे इनमें से ऐसे हैं जो टॉप 3 स्टूडेंट्स में रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, पूरे सेशन में अपने आप डिसिप्लिन में रहते हैं, साथ ही साथ अपनी क्लास को डिसिप्लिन में रखते हैं। आई होप कि आप में से बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, जिससे कोई भी एक प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम में आप वॉलंटियर करते हैं, बट उस कंडीशन में कि आप पूरी तरह से फोकस करते हैं स्कूल के लिए, उन एग्जाम्स में या उन जितने ग्रुप्स में आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब में आप सपोर्ट करते हैं। सो अभी भी आप लोगों ने शपथ लिया है, सिर्फ स्पेशली मेरा कहने का आप लोगों से यही मकसद है कि आप लोग यहाँ से शपथ लेकर अपनी क्लासेस में जाएंगे। आज से आप लोगों की वो ड्यूटीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी आपके डिसिप्लिन इंचार्ज से, मगर क्या कंडीशन आप लोग वो अप्लाई करेंगे। लास्ट ईयर भी ऐसी कंडीशन आई थी कि मिड सेशन में चलते हुए अगले लास्ट के 2 या 3 मंथ्स बचे थे, उससे पहले 2-3 लोगों के बैचेस उतरवाए गए थे। आई थिंक आप लोगों को याद होगा क्लास में वो रूटीन में क्या था, उनका डिसिप्लिन में ना होना, इसी वजह से उनके ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लेना कि जिसमें शायद स्कूल को मजबूरन उनके बैचेस उतरवाने पड़े। आई होप कि आप लोगों ने ये आज यहाँ सम्मान के साथ बैचेस पहने हैं, आज यहाँ आप लोगों को बैचेस लगाए गए हैं। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 31 मार्च 2020 तक आप लोग ये बैचेस पहने रहे, ताकि आप लोगों से वापस ना लिए जाए। उसमें आप अपनी क्लास का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन पे ख्याल रखेंगे, साथ ही साथ आप ये ना सोचें कि आपको मॉनिटर या फिर कैप्टन सिलेक्ट किया गया है तो आप अपनी स्टडी को कहीं रोक दें। मैं सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी को फोकस करें। ये सब कुरिकुलम में एक्स्ट्रा में आता है कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या कोई हर एक स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ वो अपने आप को मॉनिटर मान सकता है? उसकी वजह यह है कि अगर वो सिंसियर है तो वो मॉनिटर से कम नहीं। साथ ही साथ जो मॉनिटर्स हैं स्पेशली वो इस चीज का ख्याल रखें कि अक्सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके साथ उनकी नहीं बनती, अननेसेसरी कहीं ना कहीं आप उनके साथ कुछ गलत ना करें, जैसा कि आप टीचर से उनकी शिकायत करना, स्पेशली बार बार उनको वॉर्न करना, उनको टॉर्चर करना, तो ये सारी चीजें आपके हित में नहीं आती। आपने शपथ में ये सारी चीजें क्लियर की हैं कि आप निष्पक्षता हर एक के साथ रहेंगे। अगर आप लोग किसी के साथ पक्षपात करते हैं तो आप स्वयं दोषी माने जाएंगे। इसलिए आप लोग हमेशा ख्याल रखें कि जब भी कभी आप लोगों ने देखा जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद एक छोटा कोई भी पद हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे मेंबर का, उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें के जहां जहां वो इलेक्शन में अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद वो जीतते हैं, जब विन करके आते हैं तो उनका भी एक शपथ होता है, उसमें भी वो सारी चीजें जो आप लोगों को यहाँ रिमाइंड कराई गई है वो क्लियर करा दी जाती है कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे, 5 वर्षों में ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर उसके हित में कुछ गलत हो जाए। तो वैसा ही एक उसका छोटा रूप आज आप यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं। लीडरशिप का मतलब कि आप अपनी क्लास में स्पेशल हैं, आपको स्पेशल मान करके ये बैचेस बनाए गए हैं। आप लोग अपने आप को स्पेशल बनाए रखें, क्योंकि अभी से ही स्टार्टिंग से जब अपने आप को आप बदलने की कोशिश करते हैं तो एक दिन वो दूर भी नहीं होता कि जब आप लोग फाइनली उस मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं। अगर आप लोगों को लीडरशिप करनी है तो आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, मगर कंडीशन वही डिपेंड होती है कि आप स्टार्टिंग से चलें, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़े। कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं जो डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाए। आप हमेशा याद रखें कि वो पहले निचले स्तर से, पहली सीढ़ी से चलना शुरू करता है, तभी वो उन स्टेयर्स को पार करता है और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक पहुंचता है। इसलिए आप लोग ख्याल रखें कि आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं जिन्होंने आज शपथ ली है, जो एबसेंट हैं, उन सब के लिए भी के पूरे सेशन में आप अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ समानता का व्यवहार करें। साथ ही साथ जितने कैप्टन्स हेड बॉय हेड गर्ल स्पेशली उन लोगों को ख्याल रखना है कि कहीं भी किसी मॉनिटर के साथ गलत ना हो और वो मॉनिटर्स कभी किसी स्टूडेंट के साथ गलत ना करें। अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो आप अपने डिसिप्लिन इंचार्ज को इन्फॉर्म करें, अपने क्लास टीचर्स को इन्फॉर्म करें, अपने पीटीआई सर को इन्फॉर्म करें,
कोई भी फैसला आपको अपने आप से नहीं लेना है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में उस वक्त लेने कैपेबल हैं जिस वक्त में आपके टीचर्स वहां अवेलेबल नहीं हैं, या फिर स्पेशली वो किसी वजह से आने वाले टाइम के लिए अगले एक दो मिनट के लिए कहीं चले जाते हैं, तो वो आपको बोल कर जाते हैं आपके साथ आपकी क्लास को हैंड ओवर करके जाते हैं कि आपको ख्याल रखना है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास में जो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, बहुत ज्यादा नोटी हैं, वो भी इस चीज का ख्याल रखें कि कैमरास को अक्सर ऑडिट किया जाता है, आपके रूम्स में सीसीटीवीज लगी हुई है, अगर कहीं भी कुछ दिक्कत ऐसी आती है इन्वेस्टिगेशन में, अगर आप दोषी पाए जाते हैं आप कहीं ना कहीं, तो आपको इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसलिए आप पूरी तरह अपनी क्लास को अच्छे से मेंटेन करके रखा करें, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो स्पेशली उसकी इन्फॉर्मेशन स्कूल को जरूर दें। उसके अलावा